सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सौभाग्य को यदि ढूंढना है तो वह परिश्रम के साथ खड़ा नजर आएगा। बुराई को अक्सर ये भ्रम होता है कि वो अच्छाई पर जीत हासिल कर लेगी। जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, हम शांत रहें तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। मिल रहा है बहुत कुछ इस जिंदगी में, केवल गिनती उसी की कर रही हूँ जो कभी हासिल न हो सका। आज का पंचांग 10 मई 2023 दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:49 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 4:12 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन के सबसे अशुभ समय दोपहर 12:15 से 1:54 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर रात्रि 9:48 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 10 मई 2023 दिन बुधवार, आज आपको कई सारे मुद्दे सुलझाने हैं और ये सभी काफी महत्व के मसले हैं। इन सब के चक्कर में आपको कम समय मिल पाएगा और आप इन सब में फंसा हुआ सा अनुभव करेंगे। इसके अलावा आज आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में भी पता चलेगा जो कुछ अलग सी दिखाई दे रही है। आप आज अपनी परेशानी के चलते कुछ ऐसा कह या कर सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। अपने पिता या बॉस के साथ किसी मतभेद के कारण आपकी यात्रा की योजनाएं रद्द हो सकती है। अपने दोस्तों और पड़ोसियों का समर्थन करें, उन्हें अभी आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। किसी क्लास या प्रशिक्षण में नामांकन की वजह से आपके करियर में दिलचस्प संभावनाएं होगी। आज अपने आवेगों पर कम नियंत्रण के कारण आप उदास महसूस कर सकती हैं। आपको केवल अपने लिए कुछ समय चाहिए ताकि आप सोच सके और समस्याओं को हल कर सके। अपने पिछली सफलताओं को उपलब्धियों के बारे में विचार करें और इन समस्याओं से निकलने का रास्ता आप स्वयं ही बना लेंगे। आज अपने सेहत की चिंता करने की वाकई जरूरत नहीं है। आपके आसपास के लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे व सराहेंगे। घर की छोटी छोटी चीजों पर आज आपका बहुत धन खराब हो सकता है जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव में आ सकती हैं। पारिवारिक तनाव को अपनी एकाग्रता भंग न करने दें। बुरा दौर ज्यादा सिखाता है। उदासी के भंवर में खुद को खोकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश की जाए। अपने प्रिय को नजरअंदाज करना घर पर तनाव का कारण बन सकता है। दफ्तर में आप तारीफ पाएंगे। आज अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही घर के लोगों से बातें करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बेवजह के झगड़ों की वजह से आपका समय खराब हो सकता है। जीवन साथी की खराब सेहत के चलते आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। रोजमर्रा के दिनचर्या से आज कुछ बदलाव आएगा। अगर प्रॉपर्टी अथवा वाहन खरीदने संबंधित योजना है तो आज उसे कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। आप अपने व्यक्तित्व और व्यवहार को निखारने के लिए कुछ खास नियम भी बनाएंगे। विदेश जाने के लिए कोई गतिविधि शुरू हो सकती है। अधिकतर बातें मर्जी के अनुसार होने के बाद भी दूसरों की वजह से आपको निराशा हो सकती है। फिलहाल जो बातें आपको प्रसन्नता देती है उन पर ध्यान दें। आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। केवल एक समय एक ही बात पर ध्यान दें। किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले कोई काम अधूरा छूट सकता है। रिलेशनशिप से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। वक्त के साथ बातें सुलझ जाएगी। बदन दर्द और शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, विरोधियों द्वारा फैलाई गई अफवाहों की वजह से आपकी मन स्थिति थोड़ी विचलित हो सकती है, परंतु आत्मचिंतन करने से हल भी मिलेंगे। विद्यार्थी लोग व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में खुशनुमा और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा।
लव पार्टनर के साथ बेहतरीन समय व्यतीत होगा। आप भावुक और प्रेम से ओतप्रोत हैं। आप अपने साथी के साथ एक बहुत ही गहरा संबंध अनुभव कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ का आनंद लें। आज का दिन एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का दिन है। हर रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए उसे कुछ समय देना पड़ता है ताकि वो सही तरह से फले फूले। ऐसा ना करने पर वह बहुत जल्दी ही खत्म हो सकता है। अपने मित्रों और परिवार से भी मिले क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत है। परिवार का महत्व आपसे अधिक और कोई नहीं जानता क्योंकि परिवार ही आपके लिए सब कुछ है। ऐसे में किसी खास के लिए समय निकाले और उन्हें प्रभावित करने के लिए कोई भी कसर न छोड़े। सहयोगियों और पड़ोसियों से विवाद से बचें। आप यह बात अच्छे से जानते हैं कि अपनी साथी का हाथ थाम कर सारा जहां जीत सकते हैं। आपकी भावनाएं आज आप पर हावी होगी जिससे कुछ उदासीन महसूस करेंगी। कुछ समय अपने और अपने साथी के बीच की गलत फहमियों को दूर करने में व्यतीत करें। यह समय मुश्किल जरूर है किंतु समय हमेशा एक सा नहीं रहता। बात करते हैं करियर की। आज अपने रोजाना के शेड्यूल से समय निकाल कर भाई बहन की परेशानियों या पड़ोसियों की समस्याएं सुलझाने के लिए समय निकालेंगी। कला लेखन विश्लेषण के क्षेत्र में आपका भविष्य बहुत उज्जवल है इसलिए इस ओर अधिक ध्यान दें। आज चिंता से बचें और अपना पूरा ध्यान अपने काम की ओर लगाएं। यह दिन आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। आज आप जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों महसूस करेंगी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको अपनी नीतियों और शोधों को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। नौकरी में किसी अप्रत्याशित घटना की संभावना है। मौके का फायदा उठाएं और एक समय में एक ही कार्य करें। कुछ परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में होने की संभावना है। वे पहली बार में हतोत्साही लग सकते हैं लेकिन जल्द ही वे आपके लिए नए अवसर को खोलेंगे। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको साहस और विश्वास की छलांग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये व्यापार आपको जोखिम भरा लग सकता है लेकिन जो आप करेंगे उसमें आनंद आएगा और जल्द ही इसमें सफल होने की उम्मीद भी रहेगी। आज दिन भर कारोबार में थकान भरी व्यस्तता रहेगी परंतु साथ ही मनोनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। प्रॉपर्टी अथवा रियल इस्टेट से जुड़े लोगों की आज कोई फायदेमंद डील होना संभव है। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ संबंधों में कटुता ना आने दें। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से थकान महसूस हो सकती है जिसकी वजह से स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें। अब समय आ गया है कि आप अच्छे खान पान का महत्व समझें। आप कई छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं जिसका आपको भोजन से कोई संबंध नहीं लगता लेकिन वास्तव में ये भोजन के गलत तरीकों से ही जुड़ी हुई है। आज आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके लिए अपने सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की एकमात्र रास्ता खान पान में सुधार ही है। इससे आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सुधार आएगा। आज का उपाय, गणेश भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं। आज शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।